उमा खाद भंडार के सामने मेरी एक जमीन है जिस पर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी बिहार के भाई रवि कुमार उर्फ पिन्नू और शकीला खातून बार बार जबरदस्ती आके कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरे साथ साथ मेरे सगी संबंधी को भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता रेणु देवी के भाई पर एक बार फिर से एक गंभीर आरोप लगे हैं। डिप्टी सीएम रेणु देवी के भाई रवि कुमार उर्फ पिन्नू पर एक डॉक्टर को धमकाने, जान से मारने और उसकी जमीन पर कब्जा करने के प्रयास करने का आरोप लगा है। डॉक्टर का त्राहिमाम वाला वीडियो सोशल मीडिया के जरिए लालू यादव के बड़े बेटे और आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने शेयर किया है। तेज प्रताप यादव ने वीडियो शेयर करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। साथ ही साथ इस मामले को डिप्टी सीएम रेणु देवी से भी देखने की अपील कर दी है। तेज प्रताप यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर जो वीडियो शेयर किया है उसमें एक शख्स हाथ जोड़ते हुए ये कह रहा है कि उनका नाम डॉक्टर विनोद कुमार गुप्ता है। वह एक रिटायर्ड डॉक्टर हैं। उसकी बेतिया स्थित जमीन पर डिप्टी सीएम रेणु देवी के भाई और कुछ अन्य लोग जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। वीडियो में नज़र आ रहे शख्स ने इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी के भाई पिन्नू को लेकर इस तरह के आरोप पहली बार नहीं लगे हैं। इसके पहले भी पिन्नू पर मारपीट और दबंगई वाला वीडियो सामने आ चुका है। थोड़े अरसे पहले ही पटना के पटेल नगर इलाके में एक ही ज़मीन पर कब्जा की कोशिश का आरोप भी डिप्टी सीएम के भाई के ऊपर लगा है। तब खुद डिप्टी सीएम रेणु देवी ने सफाई पेश करते हुए कहा था कि उनका अपने भाई पिन्नू से कोई संबंध नहीं है। पिन्नू की वजह से रेणु देवी की बार बार फजीहत हो रही है, लेकिन डिप्टी सीएम रेणु देवी हर बार यह सफाई देती हैं कि उनका अपने भाई से कोई सरोकार या कोई रिश्ता नहीं है। दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता पहले ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन सुशासन के दावे के बीच सरकार के डिप्टी सीएम के भाई के ऊपर लग रहे आरोपों को लेकर भी नीतीश सरकार की भी फजीहत हो रही है। सेनानिवृत्त डॉक्टर विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि बेतिया के उवर्सी रोड पर उमा खाद भंडार के सामने उनकी जमीन है, जहां डिप्टी सीएम का भाई रवि कुमार उर्फ पिन्नू और शकीला खातून जबरदस्ती आकर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरे साथ मेरे सगे संबंधी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। पुलिस प्रशासन इनके दबाव में कुछ भी नहीं कर पा रही है। FIR भी दर्ज नहीं कर पा रही है। विनोद गुप्ता ने इस वीडियो में लोगों से कह रहे हैं कि आपसे निवेदन है कि इसको इतना शेयर करें कि CM नीतीश और PM मोदी तक ये मैसेज पहुँचे और पूरे मामले पर कार्रवाई हो सके। देखिए वीडियो की किस तरीके से डॉक्टर विनोद कुमार गुप्ता गुहार लगा रहे हैं। मैं रिटायर्ड डॉक्टर विनोद कुमार गुप्ता, जो बेतिया पश्चिमी चंपारण बिहार का रहने वाला हूँ, पूर्वसी रोड पे उमा खाद भंडार के सामने मेरी एक जमीन है जिस पर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी बिहार के भाई रवि कुमार उर्फ पिन्नू और शकीला खातून बार बार जबरदस्ती आके कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरे साथ साथ मेरे सगी संबंधी को भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन इनके दबाव में कुछ नहीं कर पा रही है। FIR तक लॉज नहीं कर पा रही है। आप लोगों से निवेदन है कि इसको इतना शेयर करें कि ताकि मुख्यमंत्री बिहार और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास ये पैसे पहुंचे कि जिस पर उचित कार्रवाई हो सके। धन्यवाद।